न्यूज़ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मर्शी। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। 15 साल की लड़की से पहले होटल, फिर देहरादून में दुष्कर्म, घर लौटी तो मां को बताई आप बीती। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी राहुल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, बंधक बनाने, जान से मारने की धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराकर जांच की शुरू कर दी है। विस्तार करें तो हरियाणा के जिन जिले के एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी राहुल नामक युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, बंधक बनाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। उचाना थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने बताया कि राहुल उसकी 15 वर्षीय बेटी को बहलाकर एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद राहुल उसे देहरादून से ले गया और कई दिनों तक वहां बंधक बनाकर रखा और दुष्कर्म किया। किसी तरह उसकी बेटी राहुल के चंगुल से निकलकर आई और घर पहुंचकर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी राहुल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, बंधक बनाने, जान से मारने की धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। ससुराल से मायके आई विवाहित, हुआ कुछ ऐसा कि फांसी लगा दे दी जान, पूरा गांव है हैरान। क्या है इस खबर का सच, आइए जानते हैं। पिता ने बताया कि शाम करीब 6 बजे वह प्रीति को घर छोड़कर खेत गए थे। शाम करीब 7 बजे प्रीति की मां सुमन खेत से घर लौटी तो उसने बेटी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब वह कमरे की तरफ गई तो बेटी को फंदे पर लटका हुआ देखकर होश उड़ गए। यमुनानगर जिले में एक नवविवाहित ने अपने मायके में फंदा लगाकर दी जान। मामला गांव खुर्दी का है। शनिवार देर शाम 23 वर्षीय प्रीति का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। प्रीति दोपहर के समय ही अपने पति सनी के साथ गांव बैंडी स्थित ससुराल से मायके आई थी। आरोप है कि जब वह मायके आई तभी सनी और प्रीति के बीच किसी बात का झगड़ा हुआ था। उस वक्त सनी ने प्रीति के माता पिता को भी बुरा भला कहा। थाना सदर यमुनानगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम हाउस से रखवा दिया है। परिजनों ने ससुराल वालों पर प्रीति को तंग करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव खुर्दी निवासी हुकुम चंद ने बताया कि प्रीति की शादी नवंबर 2022 में गांव बैंडी के सनी के साथ शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद ही सनी प्रीति को परेशान करने लगा, उसके साथ मारपीट की जाने लगी। इसका पता जब उन्हें लगा तो दो बार दोनों पक्षों में पंचायत भी हुई। लोगों ने सनी व उसके परिजनों को समझाया था। इसके बाद प्रीति को उनके साथ ससुराल भेज दिया था, परंतु इसके बावजूद वह प्रीति को तंग करने से बाज नहीं आया। शनिवार दोपहर सनी प्रीति को लेकर गांव आया था। उनका आरोप है कि तब सनी ने प्रीति के साथ काफी बहस की थी, इससे प्रीति परेशान थी। उन्होंने सनी को समझाया भी था। इसके बाद सनी प्रीति को छोड़कर वहीं अपने घर चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसी ही क्राइम की एक और खबर पर नजर डालते हैं। डांस क्लास में हैवानियत, किशोरी के बनाए अश्लील वीडियो और खींचे फोटो, फिर वो किया जिसे सोचकर आपको भी आएगी घिन। 15 वर्षीय किशोरी के संग डांस क्लास में हैवानियत हुई। आरोपी कोई और नहीं बल्कि डांस टीचर ही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के थाना लोहा मंडी पुलिस के थाना क्षेत्र में डांस क्लास चलाने वाले संचालक को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। इस पर डांस सीखने गई किशोरी के अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, दुष्कर्म करने का आरोप है। पीड़िता की मां ने लोहा मंडी थाने में शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराई। बताया कि आरोपी विनोद उर्फ बिट्टू डांस क्लास चलाता है। उनकी 15 साल की बेटी डांस सीखने गई थी। डांस क्लास खत्म होने के बाद विनोद ने बेटी को जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेटी बेहोश हो गई। आरोपी ने उसकी बेटी के अश्लील फोटो और वीडियो बनाए, वायरल होने की धमकी
देकर बेटी के साथ कई दुष्कर्म किए। इसके बाद आरोपी विनोद और जिसके जीजा ने परिवार के लोगों को मारने की धमकी देकर शादी करने का दबाव बनाया। बेटी को दीवानी ले जाकर कुछ दस्तावेज पर भी अंगूठा लगवा लिया। लोहा मंडी थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर शनिवार को मदिया कटरा तिराहे से लोहा मंडी के नौबस्ता निवासी आरोप विनोद उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर लिंक, फेसबुक लिंक तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।